मणिपुर के दूसरे चरण के 22 सीटों पर जहां कल मतदान कराए जाएंगे, इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह सहित बीरेन सिंह सरकार के दो हाई प्रोफाइल नेताओं और मंत्रियों की साख भी दांव पर है। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। कल है मणिपुर के आखिरी चरण का मतदान। 92 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 22 सीटों पर 8,47,000 मतदाता करेंगे मतदान। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए शनिवार को मतदान कराए जाएंगे। 6 जिलों के 22 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण में कुल 92 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से केवल 2 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरे चरण के शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। पहले चरण की हिंसक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र के बाहर और भीतर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण में सत्तारूढ़ भाजपा सभी 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े की है, जबकि NPP 11 और जदयू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा NPF ने 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया है। आपको बता दें कि मणिपुर विधानसभा चुनाव में नागा पीपुल्स फ्रंट केवल 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। वहीं बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट की, तो सभी की निगाहें थौबाल सीट पर टिकी हैं, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह मैदान में हैं। यहां इबोबी सिंह का सीधा मुकाबला भाजपा के एल बसंत सिंह से है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इबोबी सिंह ने भाजपा के एल बसंत सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार इरोम शर्मिला को 16,290 वोटों से हराया था। इस बार फिर इबोबी सिंह और बसंत सिंह आमने सामने हैं। थौबाल के अलावा हैरोक सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां से भाजपा के विधायक टी राधेश्याम का मुकाबला कांग्रेस के मैरांगथेम ओकेंद्रो से है। पिछले चुनाव में राधेश्याम ने ओकेंद्रो को केवल 1647 वोटों से हराया था। इस बार भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। हालांकि सीट पर NPP भी मैदान में है। देखना होगा कि NPP के उम्मीदवार एन दितेन सिंह हैरोक में भाजपा कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकेंगे। वहीं सेनापति जिले के माओ सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला है। यहां से बीरेन सिंह सरकार की कैबिनेट मंत्री तथा NPF के उम्मीदवार लोसी दिखो का मुकाबला भाजपा के सुनील अलेक्जेंडर माइको से है। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में NPF ने भाजपा के उम्मीदवार जोबा जोरम को 15,414 वोटों से हराया था। इस बार भाजपा के सुनील अलेक्जेंडर माइको पर दांव लगाई है। टैंगनोपाल सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। पिछली बार चंदेल सीट से NPP के टिकट पर विधायक बने लेतपाव हाउकी बीरेन सिंह सरकार के मंत्री हैं और चुनाव से पूर्व उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। हाउकीप का मुकाबला कांग्रेस के डी कोरुंगथांग और NPP के टी जंगखोमांग हाउकीप के साथ है। डी कोरुंगथांग इस सीट पर 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार भाजपा ने उनका सीट चंदेल से बदलकर टैंगनोपाल कर दिया है। इसके अलावा वांगखेम सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस सीट से कांग्रेस के 3 बार के विधायक रह चुके तथा मणिपुर कांग्रेस के उपाध्यक्ष के मेघाचंद्र सिंह मैदान में हैं। वांगखेम सीट पर भाजपा की नजर है। पार्टी ने यहां से वाई नवाचंद्र सिंह को टिकट दिया है, जो पिछले चुनाव में NEINDP की ओर से चुनाव लड़े थे और केवल 2,880 वोटों के अंतर से हारे थे। वहीं नोंगमा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गय खंगम का मुकाबला भाजपा के दिगांगलुंग गमे से है। इस सीट पर केवल 2 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।